आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं Vivo Y28 5G। और भाई साहब इसकी डिजाइन आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। पर दोस्तों क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइनिंग है उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर आपको हिडन फीचर्स मिलते हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपने अगर ये स्मार्टफोन खरीदा या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो ना तो यार ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही चीज बोलोगे कि यार हमारे जो पैसे लगे हैं वो वसूल हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहला हिडन फीचर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पर देखिए ऊपर ही आपको मिल जाएगा डायनेमिक इफेक्ट्स का ऑप्शन, और यहाँ पर देखिए एम्बिशन लाइट इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है और इसको ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, जैसे कि आपके पास कोई कॉल वगैरह आएगी तो यहाँ पे देखिए लाइट इफेक्ट इनकमिंग कॉल्स, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की लाइट्स होगी, ये वाली कर लीजिए, ये वाली कर लीजिए, बहुत सारी लाइट्स आपको मिल जाएगी, अलग अलग कलर के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी यानी कि कितनी दिखानी है, कितनी देर तक दिखानी है, पूरी यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छी लाइट लगती है वो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ही बैक जाओगे आप चाहते हो यार मेरे पास ना कोई नोटिफिकेशन आए तब भी ये लाइट शो होनी चाहिए, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले को ऑन कर लीजिए और यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको बहुत सारी लाइट्स मिल जाएगी। देखिए जो भी लाइट आपको पसंद आती है वो लाइट यहाँ पे कर सकते हो। जब भी आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइट शो होने लग जाएगी। ड्यूरेशन के अंदर जाकर ये भी यहाँ पे कर सकते हो कि कितनी देर तक इस लाइट को आपको शो करानी है। जैसे यहाँ से बैक जाएंगे यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन एप्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे यार हमने ऑन कर दिया फिर भी ये लाइट नहीं आ रही है, तो आपको सारे एप्स के अंदर ये लाइट चाहिए तो ऑल एप्स कर दीजिए, या फिर आप अपने पर्सनल एप्स के अंदर रखना चाहते हो तो इसको बंद करके यहाँ पे जिस भी एप के अंदर ये लाइट शो कराना चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका मोबाइल काफी ज्यादा अच्छा लगेगा जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। और जैसे यहाँ से बैक जाएंगे यहाँ पर देखिए आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन, अब यहाँ पर दोस्तों जब भी आप फेस को अनलॉक करते हो तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे लॉक का लोगो आता है, तो आप चाहते हो यार स्माइल का कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, या फिर देखिए ये वाला कर लीजिए, जब भी आप फेस को अनलॉक करोगे कुछ इस तरह का शो होगा। जैसे यहाँ से बैक जाएंगे चार्जिंग एनिमेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप मोबाइल को चार्ज लगाते हो कुछ इस तरह से आता है, तो देखिए ये वाला कर लीजिए, ये वाला बहुत ही अच्छा लगता है, तो जब भी हम मोबाइल को चार्ज लगाएंगे तो कुछ इस तरह से शो होने लग जाएगा। और यहाँ से जैसे हम बैक जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यूज भी, यानी कि आप जब भी पेन ड्राइव वगैरह मोबाइल में लगाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आता है, तो आप चाहते हो यार मुझे यहाँ पे नीचे आग की तरह चाहिए, देखिए आग जलने लग जाएगी, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए डायनेमिक इफेक्ट्स के अंदर स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन भी मिलता है, जब भी हम स्क्रीन को ऑन या ऑफ करते हैं तो एकदम सिंपल सा रहता है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे कर सकते हो, ये वाला कर लीजिए, ये वाला बहुत ही कमाल का है, देखिए जब भी स्क्रीन को ऑन या ऑफ करेंगे तो कुछ इस तरह से शो होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक और बहुत ही कमाल का फीचर बताता हूँ। जैसे कि हमने आवाज को पूरा बढ़ा रखा है, देखिए फिर भी आपको लगता है यार हमारे मोबाइल की आवाज थोड़ी कम है, आवाज थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए, तो इसको बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो, इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे सबसे नीचे जाना है साउंड क्वालिटी इफेक्ट्स के ऊपर जाकर लिसनिंग एक्सपीरियंस पर ईयर कस्टमाइजेशन के ऊपर जाकर इसको ऑन कर देना है। अब यहाँ पर क्या है, अंडर 30 ईयर ओल्ड यानी कि आप 30 साल के नीचे हो, हाँ मुझे भी पता है आप 30 साल के नीचे होंगे, पर आपको यहाँ पे अबाउ 60 ईयर ओल्ड कर लेना। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल को लगेगा कि आप 60 साल के ऊपर हो चुके हो और आपको वो जो भी आवाज देगा ना काफी ज्यादा लाउड देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके मतलब म्यूजिक वगैरह या फिर आपके पास कॉल वगैरह की आवाज अगर आपको लगता है धीरे आ रही है तो इसको जरूर ट्राई कर सकते हो, इससे आपकी आवाज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप आगे वीडियो में इतना हो जाओगे कि यार लाइक करना भूल जाओगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यार आप चाहते हो मुझे एक साथ में दो एप्स को चलाना है, अलग अलग एप्स, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए YouTube को हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको थ्री फिंगर से इसे ऊपर लेके जाना है, और यहाँ पर देखिए YouTube तो चल ही रहा है, साथ साथ में आप यहाँ पे जैसे कि Facebook चला सकते हो, ये देखिए अब Facebook भी चलने लग चुका है, तो यहाँ पे YouTube भी चल रहा है और Facebook भी चल रहा है। और यहाँ पे मैं देखिए YouTube को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देखिए YouTube बड़ा हो चुका है, तो इसको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो। यूट्यूब को पूरा बड़ा करना चाहोगे ऐसे पूरा यूट्यूब ओपन हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से आप एक ही साथ में दो अलग अलग एप्स को चला सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मैं इसे डबल टैप करूं हमारी स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए, और डबल टैप करते हैं हमारी स्क्रीन ऑन हो जानी चाहिए, और दोस्तों जैसे आप ऐसे मोबाइल को हिलाओगे आपकी फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाएगी, तो ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है, स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर जाना है, रेस्ट हुए की है क्या इसके बारे में भी बताऊंगा, इसको ऑन कर लीजिए, इनको ऑन कर लीजिए। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी, डबल टैप करते स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, ये देखिए
डबल टैप करते स्क्रीन ऑन और ये डबल टैप करते स्क्रीन ऑफ। और जो हमने रेस्ट वेग आपको ऑन कराया उसका क्या मतलब है, जैसे कि हमारा मोबाइल पड़ा, आपको कुछ नहीं करना, बस मोबाइल को सिंपली ऐसे उठाना है और हमारी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ना तो हमने डबल टैप किया ना हमने पावर बटन को प्रेस किया, जैसे ही मोबाइल को उठाया और हमारी स्क्रीन ऑन हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे वापस सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ से बैक जाना है। अभी देखिए शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, ठीक है, अब इसको यहाँ पे बैक आ जाइए। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों हम जैसे ही मोबाइल को इसे हिलाएंगे हमारी जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पर आपको इमरजेंसी में कभी फ्लैश लाइट ऑन करनी हो तो इसे मोबाइल को शेक करती आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम इधर करते हैं तो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाता है और जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन रहता है तो यहाँ पे गंदी गंदी तस्वीरें वगैरह आ जाती है, जो कि दोस्तों हमारे घर वाले पास वगैरह में बैठे रहते हैं तो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो आप चाहते हो यार मुझे कुछ सर्च करना होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लूंगा, मुझे ये गूगल बंद करना है, तो कैसे कर सकते हो? उसके लिए हम स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है, होम सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे गूगल डिस्कवर को बंद कर दीजिए। ये जो आपका गूगल डिस्कवर है वो देखिए बंद हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इस मोबाइल के और भी बहुत कमाल के फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे देखिए लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर जाना है। यहाँ पे वॉलपेपर थीम्स वगैरह मिल जाती है, पर यहाँ पर आपको यूआई कलर का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर आपके देखिए मैं जैसे वाईफाई को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर शो हो रहा है। तो आप चाहते हो यार मुझे ब्लू कलर के अंदर नहीं, मुझे तो अलग कलर के अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे जैसे नीचे करोगे ग्रीन कलर के अंदर हो चुके हैं। आपका जो भी कलर फेवरेट है उस कलर के अंदर यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ से हम जैसे ही बैक जाएंगे यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे वो आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पर आपका कोई भी नाम नंबर वगैरह लिखना चाहोगे लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख के दिखाई देता हूँ आपको, ये देखिए सब्सक्राइब लिख देता हूँ, क्योंकि यार आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो बार बार याद दिलाना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। पर अगर मैं मेरी पर्सनल राय आपको दूं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने दोस्त या किसी फैमिली मेंबर के नंबर लिख दीजिए, ताकि बाई चांस आपका मोबाइल कभी गुम हो जाए और मेरी तरह कोई अच्छा इंसान होगा वो आपको कॉल करके बता देगा कि भाई आपका मोबाइल हमारे पास। तो चलिए मैं आपको इस मोबाइल के और भी काफी आसान से फीचर बताता हूँ, जो कि आपके मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। जैसे कि हमें चलना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे देखिए शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है और यहाँ पर देखिए क्विक एक्शन का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर रखा है, इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमारा मोबाइल ऑफ है, ठीक है, मैं इसको प्रेस करके रखूंगा तो ये देखिए हमारी जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो आप चाहते हो कि यार मुझे फ्लैश लाइट ऑन नहीं करनी, मुझे तो कुछ और ही ऑन करना है, जैसे कि कैमरा ओपन कर सकते हो, फेसबुक ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कोई अपना मन पसंदीदा ऐप ओपन करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे एल्बम कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे देखिए इसको प्रेस करके रखूंगा, ये देखिए और ऑटोमेटिक हमारी जो एल्बम है वो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप इनको ऑन कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। कभी कभी आपको इमरजेंसी में कोई चीज ओपन करने रहती है तो आप डायरेक्ट इसको प्रेस करके ऑन कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर जाएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ब्लॉक स्पैम कॉल के अंदर जाना है। अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, आपके पास जैसे कि फालतू के कॉल्स आते हैं कंपनियों के कुछ भी, तो यहाँ पे आप इनको बंद कर सकते हो, जैसे कि स्पैम कॉल्स, सस्पेक्टेड स्कैम एडवर्टाइजिंग, जो भी आपके एडवर्टाइजिंग वगैरह के कॉल आते हैं उनको बंद कर सकते हो, इंश्योरेंस फाइनेंस वाले सभी को आप अगर इनको बंद कर देते हो तो आपके पास फालतू की एक भी कॉल नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि यार हमारी बैटरी थोड़ी ड्रेन ज्यादा हो रही है या फिर बैटरी के परसेंटेज वगैरह दिखाने, इंटरनेट की स्पीड वगैरह दिखानी है, तो दोस्तों मैं आपको इसके इससे रिलेटेड काफी सारे फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आई प्रोटेक्शन, सबसे पहले अगर आप मोबाइल में ज्यादा चैटिंग करते हो या फिर बुक्स वगैरह ज्यादा पढ़ते हो तो इसको जरूर ऑन कर लीजिए, इससे क्या होगा आपकी आंखें खराब नहीं होंगी। और यहाँ पे देखिए डार्क थीम का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप नाइट में मोबाइल को ज्यादा यूज करते हो तो इसको ऑन कर लीजिए और इससे आपकी बैटरी भी काफी ज्यादा बचती है और आपका मोबाइल भी पूरा ब्लैक हो जाता है। तो अभी के लिए इसको ऑफ करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और जैसे यहाँ पे नीचे जाएंगे यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, अपनी आंखों के हिसाब से कलर को भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे फॉन्ट डिस्प्ले साइज को बड़ी छोटी करना चाहो वो भी यहाँ पे कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रहा स्टेटस बार, अब यहाँ पर देखिए बैटरी के परसेंटेज दिखाने हैं तो इसको ऑन कर देता हूँ, ऊपर देखिए बैटरी के परसेंटेज दिखने लग चुके हैं। इसको ऑन करोगे तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, जब भी आप इंटरनेट चलाओगे तो आपकी इंटरनेट की स्पीड शो होने लग जाएगी कि कितनी एमबी पर सेकंड हमारा जो इंटरनेट है वो चल रहा है। और जैसे यहाँ से बैक जाएंगे यहाँ पर देखिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर रहा रिफ्रेश रेट। अब आपने देखा होगा इस मोबाइल के अंदर 90Hz रिफ्रेश रेट है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे 60Hz पे कर सकते हो, 90Hz पे कर सकते हो। 90Hz पे क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन है काफी अच्छे से वर्क करती है, काफी फास्ट वर्क करती है,
पर दोस्तों इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर थोड़ी बैटरी ड्रेन ज्यादा होती है, तो अगर आपको बैटरी की कोई परवाह नहीं है तो आप 90s पे रखिए, अगर आपको बैटरी बचानी है तो आपको 60s पर ही रखना चाहिए, या फिर आप कोई जरूरी काम कर रहे हो तो आपको 90s पर करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मेरे मोबाइल के अंदर दो अलग अलग एप्स कैसे चलाऊं, जैसे कि दो फेसबुक दो व्हाट्सएप कैसे चला सकते हो अलग अलग नंबर से, तो इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए ऐप क्लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप किसी को भी आप यहाँ पे दो कर सकते हो, जैसे कि मैं फेसबुक को दो करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये क्लोनिंग ऐप हो रहा है, यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगेंगे और आपके मोबाइल के अंदर दो फेसबुक्स हो जाएंगे। ये देखिए हो चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक फेसबुक ये रहा और एक फेसबुक ये रहा। अब आप इनको अलग अलग आईडी से भी चला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप चाहते हो कि यार मैं यहाँ से ऐसे करूं, तो यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे कोई भी ऐप वगैरह सर्च करना चाहो कर सकते हो, पर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से ऐसे करूं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन बार आ जाना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे ऐसे करते हैं तब नोटिफिकेशन बार आता है, तो आप ऐसे यहां से करोगे तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे देखिए स्वाइप डाउन के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन सेंटर कर देता हूँ। अब ये देखिए मैं यहाँ से ऐसे करूंगा तो नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, यहाँ से करूंगा तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, आप कहां से भी करना चाहो वहां से कर सकते हो और आपका जो नोटिफिकेशन बार है वो आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन आए हुए, ठीक है, आप इनको क्लियर कर देते हो तो वो क्लियर हो जाते हैं और बाद में आपको याद आता है कि यार पता नहीं मैंने क्या क्लियर कर दिया, कोई जरूरी चीज थी जो क्लियर हो चुकी है, तो आपके पास ना पूरी की पूरी हिस्ट्री सेव रहती है। इसको देखने के लिए आपको एक सेटिंग को ऑन करना रहता है, जैसे कि हमें जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आपको ये देखिए नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे जाकर इसको ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं देखिए ये देखिए इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे बार बार इतनी दूर आने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे कुछ नहीं आना है आपको, आपको क्या करना है यहाँ से नीचे करोगे देखिए हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हमने जो भी क्लियर किया था वो यहाँ पर पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, किस टाइम हमने क्लियर किया था, किस टाइम नोटिफिकेशन आया था, पूरी की पूरी हिस्ट्री आपके पास सेव रहेगी, आप कभी भी जाकर यहाँ पे देख सकते हो। तो यार अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि आपका कोई दोस्त या फिर आपसे कोई भी आपका मोबाइल मांगता है कि यार भाई मुझे ना कॉल करनी है, पर आपको शक है कि यार ये कॉल का बोलकर कोई दूसरी चीजें ना छेड़ ले, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर जाना है, सबसे नीचे जाना है, ऐप पिनिंग के ऊपर जाना है, इसको ऑन कर लीजिए। अब अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है तो ठीक है, लॉक नहीं भी लगा रखा है तो यहाँ से लॉक लगा लीजिए, जो भी आप लॉक लगाना चाहो यहाँ से लॉक लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं तो आसान सा लगा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं, अब हमने ये लॉक लगा लिया है, ठीक है, अब इसको डन कर दीजिए। अब ये बोल रहा है कि फेस लॉक वगैरह लगाना है, तो इसको तो मैं रहने देता हूँ, फेस लॉक नहीं लगाएंगे। अब जैसे कि किसी ने कॉल के लिए मांगा है तो उसको कॉल ओपन करके 3 डॉट के वहां पे देखिए जाइए, उसको पिन करके दे देना। अब ये क्या होगा, आप मतलब किसी को दे रहे हो, वो कॉल करना चाहेगा, बात करना चाहेगा, इसको जितना चलाना चाहेगा चला लेगा, पर बेक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा, किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा बेक नहीं जा पाएगा। बेक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेक बटन और जो रिसेंट सेव बटन, इन दोनों को साथ में से प्रेस करना है और आपका जो ऐप है वो अनपिन हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे अगर आपने लॉक लगा रखा है तो ठीक है, अगर आपने लॉक नहीं लगा रखा है तो डायरेक्ट खुल जाएगा, और अगर आपने लॉक लगा रखा है तो जब तक आप लॉक को नहीं खोलोगे तब तक वो अगला वाला इस ऐप को अनपिन नहीं कर पाएगा, और जब भी वो लॉक आपसे खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आपने देखा होगा जो महंगे महंगे फोन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जब भी उनके मोबाइल में कॉल आती है तो उनकी जो फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने लग जाती है, तो हमारे मोबाइल के अंदर ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है, फ्लैश नोटिफिकेशन पे जाना है, इसको ऑन कर लीजिए। अब आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो आपकी जो फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने लग जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि यार नीचे के जो बटन से ये मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे, मुझे इनको हाइड करना है, एकदम आईफोन की तरह इसको बनाना है, तो कैसे बना सकते हो, इसके लिए मैं जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे सबसे नीचे जाना है, सिस्टम के ऊपर जाना है और यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जाकर गेस्चर्स कर लेना है। अब यहाँ पे देखोगे नीचे के बटन्स हाइड हो चुके हैं, यहाँ पे एक लाइन शो रही है, आप चाहते हो इसको भी ऐड करना है तो इसको भी हाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे ऐसे करोगे बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे होम स्क्रीन पे आ जाओगे और ऐसे करके रखोगे रिसेंट एप्स आ जाएंगे, तो ऐसे बैक वगैरह जाने में ना यार काफी ज्यादा मजा आता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यार आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे पता होना चाहिए कि पूरे दिन में कितने घंटे तक मोबाइल को यूज करता हूँ, क्या क्या यूज करता हूँ, कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज करता हूँ और मोबाइल का लॉक कितनी बार खोलता हूँ, तो भाई साहब आपके मोबाइल में पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है। इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे देखिए डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल के अंदर जाना है। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने आज 20 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया है और 17 बार इसका लॉक खोला है, 4 नोटिफिकेशन आए क्योंकि मेरा मोबाइल अभी एकदम नया है,
तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक दिन के नहीं पूरे एक महीने की डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जैसे नीचे जाओगे यहाँ पे कौन कौन से एप्स आपने यूज किया, सेटिंग यूज किया, कैमरा यूज किया है, वो भी अपने मोबाइल के अंदर जाकर देख सकते हो। तो एक बार आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि आप जो अपना कीमती समय कौन से ऐप के अंदर ज्यादा बिता रहे हो और पूरे दिन में कितने घंटे तक मोबाइल को यूज कर रहे हो, कमेंट में हमें जरूर बताना। और यार वीडियो काफी लंबी हो चुकी है इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस स्मार्टफोन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इस मोबाइल के और भी हिडन फीचर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए बना दूंगा। पर यार अभी तक आपने चैनल को पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।